Today we discuss about what is terminology. कल सर बोल रहे थे कि टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए सबसे पहले, तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना मैं एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर करूं बच्चों. जो टर्म्स आती है तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये टर्म्स आती है, टेक्निकल टर्म्स होती है, साइंटिफिक टर्म होती है. तो आज हम पहले जो जो जितनी भी टर्म्स आती है उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है. What is plant disease? What is plant pathology? आपका जो टाइटल है disease of field and particle जो crop and their management part second derived to plant pathology subject. So let's what is plant pathology? Plant pathology. Pathology is a Greek word. Patho means alignment या कोई भी entity. Suffering means pathology. पैथो प्लांट पैथोलॉजी यानी सफर करे किसी भी चीज से लोग यानी स्टडी इट इज अ ग्रीक वर्ड इन विच स्टडी इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच स्टडी अबाउट इटियोलॉजी लॉसेस कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट. इसी की तो स्टडी करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में. क्या करते हैं कितने भी इसके सब्जेक्ट हैं प्लांट पैथोलॉजी के, फंगाई बैक्टीरिया वायरस ये क्या है एक एंटिटी एक पैथोजन जो डिजीज कॉज करे उनके बारे में कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उनका एटियोलॉजी है टैक्सोनॉमी क्या है उनका लॉसेस क्या है इल्ड लॉसेस क्या है एंड देयर मैनेजमेंट. अब बात आती है हमारे टाइटल है प्लांट मतलब डिजीज. हमारा पहला टाइटल में क्या है डिजीज. व्हाट इज डिजीज व्हाट इज अ प्लांट डिजीज. डिजीज मींस दिस इज यानी जिसको इजीनेस फील ना हो देखो कंफर्ट. हम बात करें ह्यूमन बॉडी की नॉट ए प्लांट दिस टाइम. ह्यूमन बॉडी अगर हमें डिजीज हो जाती है तो हमें कैसा फील होता है लैक ऑफ कंफर्ट नॉट ए फील प्रॉपर कंफर्ट लाइक नॉट डू ऑल थिंग्स. स्टकमैन एंड हरर 1957 अकॉर्डिंग टू डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट और इट्स पार्ट प्रोडक्ट विच रिड्यूस इट्स इकोनॉमिक वैल्यू. What means economic value? Means yield losses, quality and quantity attributes. Disease is a malfunctioning process that is caused by continuous irritation which result in some suffering producing symptoms. Disease क्या है आपके abnormalities आ जाए morphology और physiology abnormalities create हो जाए. यानी आप जब disease से suffer कर रहे हैं तो क्या आप normal behave करते हैं क्या आप normal work करते हैं नहीं. हम एक bed पे पड़े रहते हैं बहुत चिड़चिड़े बहुत irritated रहते हैं. तो सेम हेयर इन प्लांट्स. ए वुमन कैन से प्रॉब्लम टू डॉक्टर बट ए प्लांट कांट. यहाँ देखिए आप हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. हम बोल सकते हैं वी कैन से बट प्लांट कांट. पौधे बोलते थोड़ा ना है कि मुझे ये हो गया मुरझान आ गई या विल्ट आ गई विल्ट भी फिजियोलॉजिकल विल्ट आ गई या फिर पैथोजेनिकल विल्ट आ गई या मेरी रूट रोट हो रही है ऐसा थोड़ा ना होता है. सो लेट्स गेट सीरियस इट कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज. व्हाट इज रीजन अबाउट कॉजेज. बायोटिक मेसोबायोटिक एबायोटिक डिवाइडेशन इन थ्री कैटेगरीज बायोटिक मेसोबायोटिक एबायोटिक. अबायोटिक की बात करें इन विच बायोटिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच prokaryote and eukaryote further divided biotic in prokaryote and eukaryote. आपने first year में पढ़ा होगा fundamental of plant pathology में difference between prokaryote and eukaryote. यहाँ बात करें हम prokaryote में कौन कौन से microorganism आते हैं eukaryote में कौन कौन से microorganism आते हैं. eukaryote means which self include also belong to eukaryote. fungi protozoa nematode algae phanerogams insect all microorganism belong to eukaryota and in prokaryote walled and wall-less. A further prokaryote divide into two categories walled and wall-less. Walled means jinki cell wall hoti hai wall-less yani jinme lack of cell wall only membrane hoti hai theek hai not cell wall. Ab kon kon se microorganism cell wall hoti hai bacteria hai blue green algae hai. वॉललेस की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच लैक ऑफ सेल वॉल. ऑल पैथोजेंस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोकैरियोट.
यूकेरियोट। अब बात आती है मीजोबायोटिक। हमने बायोटिक और एबायोटिक जानते हैं, ये मीजोबायोटिक बीच का क्या हो गया? बायोटिक यानी जीवित ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक मीन्स नॉन जीव यानी निर्जीव। मीजोबायोटिक का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो लिविंग भी रह सकता है, आइदर इज लिविंग और नॉन लिविंग। टू फेजेस सर्वाइव मीजोबायोटिक, मीजोबायोटिक वायरस एंड वायरोइड्स। एबायोटिक मीन्स टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सॉइल पीएच, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी, पॉल्यूशन मीन्स एनवायरमेंटल फ्यूचर, क्लाइमेट फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट। वायरोइड कंटेन, अब व्हाट इज वायरोइड? वायरोइड इज ए ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड नेक्ड सेल वॉल। इसमें वायरोइड एंड वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरोइड इन विच नॉट प्रोटीन कोट। वायरस किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक और प्रोटीन से। प्रोटीन का क्या होता है? कैप्सिड, यानी जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। वायरोइड में ओनली नेक्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ओनली नेक्ड न्यूक्लिक एसिड नॉट प्रोटीन कोट। ठीक है, हम बात करें न्यूक्लिक मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लिक आरएनए और डीएनए, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इन विच ओनली वायरोइड कंटेंट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वायरोइड में ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होगा। वेरेवर वायरस में आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। बट कुछ एक्सेप्शन है, यानी एक डिजीज का एक्सेप्शन है, राइस टुंग्रो वायरल डिजीज जो हमारे प्रीवियस क्लास में चली थी, आरटीवी। ठीक है, राइस टुंग्रो वायरस इन विच बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एज वेल एज आरएनए। ठीक है, दिस इज अ एक्सेप्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। फादर एसोसिएटेड विद प्लांट पैथोलॉजी, फादर एसोसिएटेड विद प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डीवेरी, वर्ल्ड लेवल की। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी ऑल्सो, ऑल्सो फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, ऑल्सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। कितने फादर हुए ये? तो एक्सपेरिमेंटल के अलग हैं, मॉडर्न के अलग हैं, प्लांट पैथोलॉजी तो सारे ही एक एंटोन डीवेरी है। अब बात आती है फादर ऑफ माइकोलॉजी, पीए माइकलाई, पियर एंटोनियो माइकलाई इज ए फादर ऑफ माइकोलॉजी। अब बात आती है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, नॉट अ वर्ल्ड, ईजे बटलर, एडविन जोहान बटलर, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। देन फादर ऑफ वायरोलॉजी, मार्टिनस वेलमस बिंजरिंग इज ए फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी। फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, ईएफ स्मिथ, इरविन फ्रैंक स्मिथ। फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी इन इंडिया, एम के पटेल, मकंज कुमार पटेल। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, के सी मेहता। फादर ऑफ आगरा कॉलेज से, ही इज बिलोंग टू आगरा कॉलेज, के सी मेहता, ही इज अ इंडियन। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? माइक्रोस्कोप बनाए सबसे पहले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। बाइबल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, किसे बोलते हैं हम? प्लांट पैथोलॉजी में बाइबल होती है, प्लांट डिजीज बाय आरएस सिंह। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आई से अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस स्लाइड, वेरेवर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बाइबल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्टर, हिज वर्क ऑन पास्टराइजेशन। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज टर्मिनोलॉजी, सिम्पटोमेटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस अगेन अर्लियर, इटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेस। पैथोजन क्या है? एक एंटिटी जो कॉज करे डिजीज को, वही पैथोजन है। जैसे कि स्टेम रस्ट ऑफ वीट, लाइक दैट पक्चिनिया स्पीसीज कॉजेस रस्ट ऑफ वीट। डिसऑर्डर, डिजीज, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मीन्स लैक ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड नॉन बायोटिक, एबायोटिक कॉजेस डिसऑर्डर। अ हार्मफुल नॉन पैथोजेनिक डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में abnormalities create करे, खेरा disease of rice, zinc deficiency, it is a disorder due to environmental or nutrient deficiency, whatever abiotic causes disorder, like that example, black tip of mango, खेरा disease of rice, and black heart of potato, and like that
most of examples, buttoning, cauliflower and बहुत सारी डिजीज है जो डिसऑर्डर से होती है. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? कई बार हर डिजीज में आ रहा है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि बट ये है क्या, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है क्या. मीन्स एनवायरमेंट जो फेवरेबल हो प्लांट डिजीज डेवलपमेंट में, जो एनवायरमेंट डिजीज को सहायता करे, डिजीज उत्पन्न करने में सहायता करे ना कि रोकने में, वही प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होंगे जो कि वल्नरेबल हो टू अटैक बाय ए पैथोजन. जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, किसी डिजीज को डेवलपमेंट करने में कितना मतलब एनवायरमेंट उसका साथ दे डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है. देन मोनोसाइक्लिक डिजीज, वी ऑल्सो अर्लियर क्लास डिस्क्राइब व्हाट इज मोनोसाइक्लिक डिजीज. ओनली वन साइकिल अकरिंग पर सीजन, ओनली एक सीजन में एक ही साइकिल कंप्लीट करें. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, डिजीज मट है, बंट है, ठीक है, एंड रूट रोट डिजीज ऑल्सो. Polycyclic, complete many cycles in a year, like that wheat rust, black rust, yielder spore causes again and again, repeat and repeat infection. Many cycles complete in one season. Disease cycle, हम बात आती बार बार, क्या है ये disease cycle, क्या cycle चल रही है ये बार बार, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले है inoculation होगा, pathogen आके attach होगा host पे, आकर उसे contact करेगा, attach करेगा. Pre-net penetration के लिए approach area बनेंगे, उसमें approach area बनने के बाद में वो penetrate करेगा. पेनिट्रेट करने के बाद में उसमें होस्ट एरिया बनेंगे जो कि खाना खाएंगे, इन्फेक्शन होगा, वहीं उनका रिप्रोडक्शन होगा, कॉलोनी बनेगी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा, फिर वो वापस डिसेमिनेट होंगे, यानी दूसरी हेल्दी प्लांट पे वापस जाके डिस्पर्सल हो जाएंगे बाय एयर, विंड, रेन, इंसेक्ट, अ डिफरेंट मोड ऑफ डिसेमिनेशन. डिजीज साइकिल, द चेन ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन डिजीज डेवलपमेंट. जो चेन, ये जो चेन चल रही है इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, जो ये चेन चल रही है, वेरियस स्टेज आ रहे हैं इसमें पैथोजन के, ये क्या है, एक सीजन से दूसरे सीजन में डिजीज साइकिल. इटियोलॉजी, व्हाट इज इटियोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ द कॉजल एजेंट. अब बार बार माइंड में आ रहा होगा ये इटियोलॉजी कौन सा वर्ड आ गया. इटियोलॉजी क्या है, पैथोजन की स्टडी करना, यानी उसकी हिस्ट्री पता करना, उसका खानदान पता करना, ठीक है, यानी उसका कहाँ से, कौन से उसका खानदान, उसका हिस्ट्री क्या हो गई, फाइलम, डोमेन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, क्या है ये इटियोलॉजी, कितना पहले लॉस्ट कर चुके हैं, कहाँ पे एपिडेमिक आया इसके बारे में, इसका कौन कौन सा क्या है, ठीक है, यानी इसके पूरी जानकारी करना, डिटेल पता करना. लाइक दैट बायोटिक डिजीज, बायोटिक डिजीज आई अर्लियर टोल्ड इन कॉजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट पक्षीनिया, राइजोपोनिया एंड पैथोजन्स, मोस्ट ऑफ लाइक दैट बायोटिक डिजीज कॉजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग पैथोजन्स, नॉट एनवायरमेंटल और नॉट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है. एबायोटिक डिजीज I told earlier, non-living agent, here a disease. Contagious disease. Contagious disease, a disease caused by infectious agent and multiply only another living organism. अभी हम pandemic COVID-19 की बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक contagious disease, यानी संक्रमण disease, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रही है, जिस जहाँ आदमी आदमी से नहीं मिल पा रहा, हम कितने बीमार हैं लेकिन हमारे खुद के भाई बहन या खुद के सगे संबंधी हमसे नहीं मिलने आ रहे, हमारे खुद के मतलब जो भी है वो contagious, यानी It is a very contactive disease. और ये बहुत जल्दी फास्ट करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. फाइटोप्लाज्मा वायरस, वायरस आ गया ना, वायरस COVID-19 क्या है, ये वायरस. एल्बिगो, पक्षीनिया, डाउनी मिल्डू पैथोजन्स आर वेक्टर. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मीन्स डिजीज से, डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में किसके थ्रू फैल रहा है, मोस्टली वायरस डिजीज में होता है ये, फाइटोप्लाज्मा डिजीज में होता है, इंसेक्ट के थ्रू, एक इंसेक्ट डिजीज वाले पार्ट में बैठेगा और डिजीज का जो पोर्शन है वो स्टिक हो जाएगा उससे और वो जाके वापस हेल्दी में बैठेगा, तो वहां पे उससे वो वापस हेल्दी प्लांट से वो चिपक जाएगा. जैसे बेमेसिया टेबेसाई मीन्स वाइट फ्लाई इन लीफ कर्ल, ऑल लीफ कर्ल डिजीज. ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, एक पैरासाइट जो कंप्लीटली मल्टीप्लाई करे लिविंग होस्ट पे, ठीक है. एल्बिगो कैंडिडा, मैंने कहा था ना आपको कल पढ़ा है, एल्बिगो कैंडिडा, सॉरी हाँ, वाइट रस्ट डिजीज है, स्टेम रस्ट ऑफ वीट है, स्टेम रस्ट, लाइक द डाउनी मिल्ड्यू फंजाई है, पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई, ये ओनली कैन सर्वाइव ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक ट्रिक बता रही हूँ, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कभी कभी पैरासाइट होना, यानी हमेशा तो वो कैसा है, सेप्रोफाइट है. सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, यानी डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करना, लेकिन कभी कभी वो क्या हो जाता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट.
उसका मन करता है कभी कभी कि कुछ नया टेस्ट हो जाए, यानी वो सैक्रिफाइस खा के थक गया है, तो यानी वो सोचता है कि कुछ नया टेस्ट आए, तो वो क्या करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी अटैक करने लग जाता है, ठीक है। फैकल्टेटिव सैक्रिफाइस रिवर्स वाइस वर्सा फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ये क्या है फैकल्टेटिव सैक्रिफाइस, कभी कभी उसका भी मन करता है कि वो भी क्या डेड ऑर्गेनिज्म का टेस्ट ले, वैसे वो क्या है टोटली ऑब्लिगेट पैरासाइट, टोटली सर्वाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट कैन एंड सम सिचुएशंस ही कैन सर्वाइव ऑन सैक्रिफाइट्स लाइक दैट म्यूकर्स एग्जाम्पल। सैक्रिफाइट जो टोटली डिपेंड ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक दैट एस्परजिलस राइजोक्टोनिया एंड मोस्ट ऑफ पैथोजन आर सैक्रिफाइट्स। प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम मीन्स फर्स्ट लिव सर्वाइविंग, जो एक चीज ध्यान से सुनना, सर्वाइविंग प्राइमरी इनोकुलम कहाँ से आता है, जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, एक सीजन खत्म हो गया उसके बाद वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है कब उसका दूसरा सीजन आए, तो जैसे ही उसका जर्मिनेशन होगा प्राइमरी रेस्टिंग स्ट्रक्चर का जर्म ट्यूब निकलेगी उसकी। जैसे मान लीजिए आप टू स्पोर है वो पड़ा है, तो उससे पहले क्या निकलेंगे जू स्पोर, तो वो प्राइमरी होंगे, यानी जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका उस पर जो जर्मिनेट होगा वही उसका प्राइमरी इनोकुलम है, और उसके बाद सेकेंडरी इनोकुलम होगा जो कि प्राइमरी इनोकुलम से प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग इन्फेक्शन के, वो क्या होगा सेकेंडरी। कोलेट्रल होस्ट, कोलेट्रल अल्टरनेट होस्ट, हम बात करें कोलेट्रल और अल्टरनेट होस्ट की, स्पीसीज ऑफ होस्ट अदर देन ए मेन होस्ट कैन सर्वाइव अनदर होस्ट, डिफरेंट स्पीसीज, अगर डिफरेंट स्पीसीज पे सर्वाइव कर रहा है तो वो अल्टरनेट होस्ट है। वीट रस्ट में हमने पढ़ा वो बारबरी पे सर्वाइव कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ मेन होस्ट, अगर मेन होस्ट नहीं है तो वो कहाँ सर्वाइव करेगा, उसके पास अल्टरनेट भी है। जैसे हमारे पास कोई ड्रेस है वो गंदी हो गई, हमें किसी शादी में जाना है तो हम कहते हैं अरे कोई अल्टरनेट देख लो इसका, ये नहीं मिल रहा तो कोई अल्टरनेट देख लो इसका, ठीक है, यानी डिफरेंट, पर यहाँ डिफरेंट स्पीसीज है। अब बात आती है कोलेट्रल होस्ट की, कोलेट्रल होस्ट में क्या होता है सर्वाइव करे ओनली सेम स्पीसीज, जैसे डाउनी मिल्ड्यू बाजरा है एंड राइस ब्लास्ट है, तो इसमें क्या होता है इनमें वाइल्ड ग्रासेस पे वो सर्वाइव कर जाता है उसी की वाइल्ड स्पीसीज, नॉट डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। नेक्रोट्रॉफ मीन्स, नेक्रोट्रॉफ और सैक्रोफाइट आपके दिमाग में आ रहा है, सैक्रोफाइट, सैक्रोफाइट मीन्स वो ओनली डेड ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, ठीक है। जैसे कि कई जीव होते हैं जो मरे हुए को ही खाते हैं और कई जीव होते हैं जो मारकर खाते हैं, जैसे कि शेर है वो पहले मारता है और फिर खाता है, गीदड़ है वो मरे हुए को ही खाता है, तो नेक्रोट्रॉफ कौन से हुए पहले वो मारेगा उसे फिर उसके बाद उसका यूज करेगा, कई बच्चे नेक्रोट्रॉफ और सैक्रोट्रॉफ में डिफरेंस नहीं जानते हैं। देन प्राइमरी साइकिल, प्राइमरी साइकिल का मतलब जो फर्स्ट इन्फेक्शन साइकिल है ग्रोइंग सीजन में, इनिशिएट आफ्टर पीरियड ऑफ पैथोलॉजिकल एक्टिविटी यूजुअली आफ्टर डोरमेंसी के बाद में जो प्राइमरी साइकिल चलेगी वही है प्राइमरी साइकिल। थ्री डायमेंशन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ये तीनों चारों बंधु नहीं होंगे जब तक डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगी, एनवायरमेंट पैथोजन होस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों का क्या रोल है, पैथोजन अकेला डिजीज कर सकता है क्या, पैथोजन कोई भी वो किस पे अटैक करेगा, अगर मान लो बाई चांस आपके क्वेश्चन में आ गया कि तीनों कंपल्सरी है क्या, तो आपका आंसर होगा श्योर यस, क्यों अकेला पैथोजन डिजीज कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन आपके एपिडेमियोलॉजी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये न्यूट्रलिटी किसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली नेसेसरी, पैथोजन अकेला डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा, किस पे अटैक करेगा, एनवायरमेंट, जब पैथोजन और होस्ट ही नहीं होंगे तो एनवायरमेंट कोई मतलब ही नहीं है, और जब होस्ट अकेला क्या कर लेगा जब पैथोजन और एनवायरमेंट नहीं है तो होस्ट पे अकेले कहाँ से डिजीज आएगी, तो इट्स वेरी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट शुड बी नेसेसरी फॉर डिजीज डेवलपमेंट। अब बात करें पैथोजन कैसा होना चाहिए, पैथोजन विरुलेंट होना चाहिए, अग्रेसिवनेस होना चाहिए, यानी उसमें डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए बहुत ही विरुलेंटली। होस्ट कैसा होना चाहिए ससेप्टिबल, मरा हुआ, यानी ससेप्टिबल यानी वो रिटार्ड नहीं करे ग्रोथ को, अवॉइड नहीं करे भाई ठीक है तू खा मुझे, एनवायरमेंट फेवरेबल हो, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, इट्स वल्नरेबल टू डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज टेट्राहेड्रल, अब एक चीज आती है व्हाट इज डिजीज, ट्राइंगल, टेट्राहेड्रल, पिरामिड, इनमें अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्राइंगल यानी तीन एंगल हो गए उसके, होस्ट, एनवायरमेंट एंड पैथोजन। अब बात करें टेट्राहेड्रल में कौन सा नया कंपोनेंट जुड़ गया है, टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीजें एक ही टाइम पे होना तभी तो डिजीज डेवलपमेंट होगी, एक ही समय में पैथोजन का विरुलेंट होना, होस्ट का सेप्टिबल होना, एनवायरमेंट का फेवरेबल होना,
ये क्या है, टेट्राहेड्रल। अब आज रिसेंटली कुछ एक वर्ड आ रहा है, टेक्निकल टर्म आ रही है, पिरामिड। दिस इज पिरामिड, मीन्स ह्यूमन का ऑल्सो यू ऑल्सो रोल इन ह्यूमंस। यानी क्या क्या इंटरफेरेंस होता है ह्यूमन का, ह्यूमंस का भी बहुत रोल होता है। ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह डिजीज लाता है, बहुत सारे इंटरकल्चर ऑपरेशन में डिजीज डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है। डिजीज पेंटाहेड्रल यानी मीन्स पिरामिड, डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। अब क्लासीफाई किया है डिजीज को उनके अकरेंस पे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिजीज होती है। कंचन ने पूछा है मैम पिरामिड और टेट्राहेड्रल इज सेम और डिफरेंट। मैंने कहा टेट्राहेड्रल में, टेट्रा एक चीज पे ध्यान करो, टेट्रा यानी चार होते हैं, जिसे ट्राइंगल का मतलब तीन एंगल, टेट्रा का मतलब चार, और पिरामिड मतलब पांच। अब ये टर्म आई है पेंटाहेड्रल यानी पांच, जिस चीज के लिए चार चीजें आवश्यक हो वो टेट्राहेड्रल है, जिसके लिए पांच जरूरी है वो पेंटाहेड्रल यानी पिरामिड है। तो टेट्राहेड्रल और पिरामिड में डिफरेंस है, क्योंकि उसमें ह्यूमन का रोल नहीं है, जबकि पिरामिड में ह्यूमन का रोल है और पांच कंपोनेंट हो गए उसके। यू कैन सी क्लियर दिस पिक्चर, 1, 2, 3, 4 and 5 हम बात करें टेट्राहेड्रल की, 1, 2, 3 and 4 नॉट ह्यूमन रोल, नॉट इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब क्लासिफिकेशन किया डिजीज का ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग, स्पोरैडिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, पेंडेमिक डिजीज। यू स्टडीड इन एपिडेमोलॉजिकल क्लासेस, एपिडेमोलॉजिकल प्रीवियस सेमेस्टर। स्पोरैडिक डिजीज का मतलब है ए डिजीज अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल, यानी रेगुलर नहीं हो, कभी भी आ सकती है और इरेगुलर लोकेशन पे, यानी आज जयपुर, आज राजस्थान में है तो कल मध्य प्रदेश में है, मतलब नेक्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि उसी राजस्थान को वो कंटेनर, मतलब ऐसा जोन बना ले। रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंस, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे ब्लॉट्स डिजीज ऑफ कुकुम्बर, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। एंडेमिक डिजीज, डिजीज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। राजस्थान में अभी तो राजस्थान का पीछा नहीं छोड़ेगी, वो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में हो सकती है, यानी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट पर्टिकुलर लोकेशन लाइक दैट वाट डिजीज ऑफ पर्टिकुलर। अब बात आती है एपिडेमिक डिजीज, ए डिजीज अकर्ड वाइडली बट पीरियोडिकली इन सीवियर फॉर्म, यानी बहुत, यानी उसका स्प्रेड बहुत जगह है लेकिन कुछ सीवियर बट पीरियोडिकली टाइम टू टाइम। पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, रस्ट इज एपिडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज, ए डिजीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड, यानी वो सब जगह फैल चुके हैं। जैसे कि अभी क्या है, COVID-19 इज ए पैंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप देख रहे हैं न्यूज में, वो न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, स्पेनिश में, स्विट्जरलैंड, इंडिया, किसी को नहीं छोड़ रही, वो पैंडेमिक है। तो वैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो क्या था, पैंडेमिक। प्लांट डिजीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस, अब आप पहला क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं अकरेंस यानी ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि प्लांट डिजीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, सिम्टम्स के आधार पर। जैसे एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं, इंटरनल रिएक्शंस होती है, तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस रिजल्ट डिजीज नॉन एज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, एक्सटर्नल या इंटरनल सिम्टम्स। जैसे हमारी नाक बह रही है तो हमें जुकाम हो चुका है, ये क्या है, एक्सटर्नल सिम्टम्स है, ठीक है। इंटरनल्स को हमें डॉक्टर ही बता पाएंगे डायग्नोस करके, MRI वगैरह, CT स्कैन करके। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, पौधों का डिटेक्शन लैब में ले जाते हैं और लैब में आइसोलेशन करते हैं, उसके बाद पता लगा पाते हैं। कई डिजीज हम एक्सटर्नली भी बता सकते हैं, जैसे पाउडरी ग्रोथ आ गई है तो हम क्या है, एक्सटर्नली हमसे आई से दैट इज अ पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। डाउनी मिल्ड्यू ऑल्सो, अर्गट डिजीज, लूज स्मट डिजीज, वीट रस्ट डिजीज, बट सम डिजीज इज नॉट से क्लियरली दैट इज अ ट्रू पैथोजन। तो हम क्या करते हैं, जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उनको लैब में लेते हैं, लैब में लाके उनको डिटेक्शन करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लॉच ऑन एप्पल, क्राउन गाल ऑफ पीच, साइन क्या होता है, पैथोजन का पार्ट। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है तो पाउडरी मिल्ड्यू का जो पार्ट है सफेद सफेद भूरा, वो उसका साइन है। डाउनी मिल्ड्यू का जो कोटनी ग्रोथ है, हेरी ग्रोथ, वो क्या है, वो साइन है। राइजोक्टोनिया है, उसका ब्लैक ब्लैक वो क्या है, साइन। लूज स्मट है, उसका ब्लैक चूरमा क्या है, साइन है वो, ठीक है। ऊज निकलता है बैक्टीरियल ब्लाइट से, वो क्या है, साइन है उसका। सिंड्रोम, जब सिम्टम और साइन प्रेजेंट हो होस्ट पे तो वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम। सिस्टमिक और लोकल डिजीज लाइक दैट वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, कैसे साइंस भी बने हुए हैं इससे। जैसे कि वाइट वाइट आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं, लेकिन जब ये स्टैक हेड
यानी कि इसका जो लेटर स्टेज है मैच्योरिटी के, तो वो कैसी हो जाती है, स्टैग हेड यानी 12 सिंगा जैसी हो जाती है, सांप जैसे आकार की बन जाती है, ठीक है। रस्ट, ए डिजीज, ए रस्टी अपीयरेंस टू ए प्लांट कॉज्ड बाय रस्ट फंजाई, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इसके बारे में, ये सिम्टम्स देखिए आप, रस्ट कैसे आती है, ईंट के कलर की बताई थी मैंने। स्मट हम क्लियरली पढ़ चुके हैं, ब्लैक चूरमा बन चुका है दानों की जगह, 80 लागू। देन बंट हमने पढ़ा है, बंट में क्या हो गए, आधे दाने कैसे हो गए, हाफ पार्ट इज कन्वर्ट टू ब्लैकिश, ठीक है, टिलेशिया इंडिका। एंड अर्गट हम बहुत अच्छे से गए सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अर्गट हनी ड्यू सिक्रेशन हो रहा है इसमें, ब्लैक स्क्लेरोशिया बन चुके हैं, ये देखिए ये ब्लैक स्क्लेरोशिया बन गए, ये हनी ड्यू स्टेज है, दो स्टेज होती है इसमें, क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस। ब्लाइट, दिस इज अ ब्लाइट डिजीज, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर, दिस इज अ बैक्टीरियल ब्लाइट, जेंटोमोनास कंपेस्टिव मालवी सीरम, रैपिड किलिंग ऑफ ए प्लांट। विल्ट, विल्ट में क्या होगा, सबसे पहले पत्तियां झड़ेंगी, ड्रुपिंग ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर। अब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल विल्ट होती है, पैथोजेनिक विल्ट, फिजियोलॉजिकल मतलब कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ जब पानी की कमी होती है तो पौधा सूख जाता है, तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल विल्ट। और जब बात करें पैथोजेनिक विल्ट, फ्यूजेरियम मोस्ट ऑफ कॉज फ्यूजेरियम विल्ट, जब आप ट्रांसवर्सली कट करोगे उसके स्टेम को, तो आप क्या देखोगे, लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे, ट्रांसवर्स सेटअप, ट्रांसवर्स कट करोगे तो आप उसमें क्या देखोगे, वेस्कुलम प्लग होते, वेस्ट जाइलम और वेस्कुलम ब्राउनिंग होगी। रॉट, दिस इज अ रॉट, जैसे रूट रोट है, रूट गल गई, काली सड़ गई है, रोट का मतलब तो सड़ना, सकुलेंट पार्ट है उसका, वो सड़ जाता है, जैसे स्टेम रॉट, तो ऑफ स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम, इट इज अ सीरियस डेंजर इन भरतपुर अलवर, नॉट हियर बट देयर इज वेरी प्रेवलेंट डिजीज। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज इज अ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज, चिलीज पोलियोट्राइकम, दिस इज ए ब्लैक, क्या है ये, एसरविलाई, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है ये, ठीक है, ब्लैक फंगस लीव इन पे हो सकते हैं, फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस एसरविलाई। डाउनी मिल्ड्यू, मेरा ये टर्म्स दिखाने का यही है कि तुम कहीं भी जाओ तो तुम इनको देख कर, इन फोटो को देख के यू कैन आइडेंटिफाई दिस डिजीज एंड दिस डिजीज। डाउनी मिल्ड्यू आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, डाउनी ग्रोथ है एंड ग्रीन ईयर स्टेज है, डाउनी का मतलब बहुत ही बहुत सारी टेलरिंग हो जाए अर्ली स्टेज पे, एंड ग्रीन ईयर स्टेज का मतलब ईयर फॉर्मेशन में दाने नहीं बने और बाली में क्या हो जाए, जो अपना गेहूं का सिक्का है, कॉब है, उसमें बहुत सारी किलरिंग्स हो जाए, बहुत सारी ग्रीन ईयर बन जाए बजाय दानों की। फाइलोडी, इट इज ए ग्रीन डाउन, देखिए ये क्या है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, फाइलोडी भी हम सीसम फाइलोडी है, ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा भी फाइलोडी में ले सकते हैं, क्योंकि ट्विस्टेड एंड जो इसका ईयर है वो किसमें, जो कन्वर्जन ऑफ फ्लोरल पार्ट, जो फ्लोरल पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सीसम फाइलोडी, लीफ कर्ल है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, ट्विस्टिंग कपिंग आउटवार्ड डाउनवार्ड कर्लिंग, ये क्या है, लीफ कर्ल, मोस्ट ऑफ पास बाय वायरस। मोजेक, इंटरमिंगल यानी मोजेक कैसे पहचानोगे आप, हरा और पीला पार्ट आपस में मिक्सअप है तो वो क्या है, मोजेक, येलो लेजियम ऑफ मोजेक। देन लीफ ब्लेड ब्लास्ट कैसी है, बोट शेप के, अगर आपको वो दिख रहे हैं उसके सिम्टम्स देखिए, स्पाइंडल शेप या बोट शेप के, ग्रे कलर के, तो ये क्या है, ब्लास्ट, या मोस्टली आजकल उसमें आ रही है, बाजरा में भी आ रही है, राइस तो अपने यहाँ होता नहीं है पर बाजरा में हम देख सकते हैं इसे, और होल प्लांट रैपिडली किल्ड हो जाता है, पायरिक्लोरिया ब्लाइट। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब, और हाइपोट्रॉफी ये सब तुम्हें आना चाहिए, हाइपर यानी इंक्रीज हो जाना उनके साइज में आकार में, हाइपरप्लेशिया यानी उसका सेल डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाना, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस, चाहे वो सेल साइज हो या सेल नंबर, तो इसमें क्या हो रहा है, आउट ग्रोथ आ गई इसकी, ठीक है। इसे ये क्या है, सिंकाइटम एंटीबायोटिकम वार्ट डिजीज ऑफ पॉटेटो, ये क्या है, आपने वो देखा हो तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियोफोरी ब्रैसिका, क्लब रॉट ऑफ मस्टर्ड एंड वाइट रस्ट ऑल्सो टिपिकल एग्जाम्पल, स्टैग हेड फॉर्मेशन। हाइपरप्लेशिया यानी इसका सेल का साइज बढ़ चुका है, क्लब रोट ऑफ क्रोसिफेरी में। देन फाइटोप्लाज्मा क्या है, लैक ऑफ सेल वॉल एंड सीसम फाइलोडी ऑल्सो कॉल्ड फाइटोप्लाज्मा। एंड वायरसेंस क्या है, क्लोरोफिल इन नॉन क्लोरोफिल पार्ट, यानी ग्रीन पार्ट उड़ जाना उसका, येलो टू ग्रीन हो जाना, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन नॉन क्लोरोफिल पार्ट, ग्रीन ग्रीन पार्ट उसका डिटैच होके और यानी पूरा क्लोरोफिल खत्म हो जाना उसमें से और वो येलोइंग में चेंज हो जाना। देन क्लोरोसिस,
Chlorosis means destruction of chlorophyll, like that, mojaic. पाउडरी मिल्ड्यू में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पाउडरी ग्रोथ, ऊपर बहुत ही पाउडर पाउडर सा हो जाए, यही पाउडरी मिल्ड्यू पहचान जाओगे, पाउडरी मिल्ड्यू आप पहन जाओगे. क्लियर सीन दिस पिक्चर, पाउडरी ग्रोथ, दिस इज अ क्लोरोसिस. डैम्पिंग ऑफ प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, यानी नर्सरी स्टेज में डैम्पिंग ऑफ, यानी इसका गल जाता है ये, यानी प्री इमरजेंस मतलब जर्मिनेट होने से पहले ही पौधे मर जाते हैं, पोस्ट इमरजेंस मतलब थोड़ा सा इमर्ज हुआ और डैम्पिंग हो गई, बहुत ज्यादा वाटर देने से भी हो जाता है ये, और मोस्टली पीथियम स्पीसीज पे भी डैम्पिंग हो जाती है. डिके हो जाता है सीडलिंग स्टेम नियर द सॉइल लाइन, यानी जो पॉलन है इसकी सॉइल के पास वाली, ये डिके हो जाती है और ये टॉपल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है. स्कैब ए हाइपर प्लास्टिक सिम्टम्स रफ और क्रस्टी बन जाता है, एप्पल स्केब रफ एंड क्रस्टी बन जाता है, लीजन्स बन जाते हैं, फॉर्की फॉर्मेशन हो जाता है, पोटेटो स्केब है, एप्पल स्केब है, इरिनियम एलोरान स्ट्रेप्टोमाइसिस का भी. ब्लाइट है, दिस इज अल्टरनेरिया ब्लाइट. अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी कैसे कैसे सिम्टम्स होंगे अल्टरनेरिया के, सबसे पहले बुल आई शेप, राउंड कॉन्सेंट्रिंग रिंग, तुम यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर, कॉन्सेंट्रिंग रिंग, ये देखिए आप कॉन्सेंट्रिंग रिंग बन रही है इसमें. अगर आप कहीं भी जाओ तो डो नॉट कन्फ्यूज कौन सी ब्लाइट है ये, अगर कॉन्सेंट्रिंग रिंग बन रही है चाहे पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन हो चाहे अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो टोमेटो वट एवर, डिजीज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया, मस्टर्ड में भी अल्टरनेरिया डिजीज होती है तो अल्टरनेरिया ब्लाइट. तो आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे बुलाई शेप टारगेट बोर्ड कॉन्सेंट्रिंग रिंग, डेफिनेटली अल्टरनेरिया कॉज. देन फेनोर्गेमिक पैरासाइट की बात करें, अगर हम जिसे लोरेंथस होता है और कस्कुट्टा होते हैं, कस्कुट्टा टोटल स्टेम पैरासाइट है, बर्सी में होता है, यानी टोटली स्टेम पे पैरासाइट रहता है ये, उसी पे सर्वाइव करेगा. रिंजके में आप पीला पीला सा देखते हो ना, पीला पीला धागा, बहुत सारे धागे धागे पीले पीले से होते हैं, वो क्या है कस्कुट्टा लोरेंथस, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, यानी पार्शियली डिपेंड होता है मैंग्रोव पे, स्टेम पे मिल जाएगा ये, स्टेम के आसपास ओरोबैंक यानी ये रूट में मिलेगा, किसकी में मस्टर्ड की में. इस बार हमने जो ट्रायल लगाई थी फील्ड में, नौ नंबर फील्ड में, उसमें बहुत सारी ओरोबैंक थी और वो मस्टर्ड के रूट में थी, बहुत सारी, वो टोटल रूट पे डिपेंड करती है मस्टर्ड की पे. इस ट्राएगा पार्शियल रूट पैरासाइट बाजरा और शुगर कैन में आपको देखने को मिल जाएगा. चलो हमारे पास अब दो मिनट बाकी है, आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर. प्लांट डिजीज क्या होती है, हमें भी होती है, पौधों में भी होती है, ठीक है. ह्यूमन बोल सकता है जो बोल नहीं सकते, तीन तरह के हैं, बायोटिक मेजोबायोटिक अबायोटिक. बायोटिक मीन्स प्रोकैरियोट यूकेरियोट, मेजोबायोटिक वायरस एंड वायरोइड, अबायोटिक मीन्स टेम्परेचर एनवायरमेंटल फैक्टर एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, एंड प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आ जाएंगे, यूकेरियोट में फंजाई आ जाएंगे. फादर्स, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी आज तुमने जितना भी पढ़ा है वो सब. एंड देन दिस इज द टर्मिनोलॉजी, पैथोजन क्या है, डिसऑर्डर क्या है, मोनोसाइक्लिक पॉलोसाइक्लिक. अब बात आती है, एक बात आ रही थी कल इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर. इंटरसेलुलर मींस दो सेल्स के बीच की का स्पेस होता है वो इंटरसेलुलर होता है. इंट्रा यानी सेल के बीच में एंटर हो जाना, किसी पैथोजन का एंटर होना, इंट्रा सेल विद इन सेल, बिटवीन टू सेल्स मतलब इंटर, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं ना दो कॉलेज के बीच में, और इंट्रा यानी उसी कॉलेज के बच्चों का टूर्नामेंट होना, ठीक है. मोनोकैरियोटिक का मतलब क्या है, यानी सिंगल एंड हैप्लोइड्स, और जब दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव मोनोकैरियोटिक का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगी, डाइकैरियोटिक. एनी क्वेरीज, अगर कोई टर्म्स तुम्हारे माइंड में हो तो प्लीज कैन वी आस्क. ओपन फॉर डिस्कशन, एनी क्वेरी. गीता अनम्यूट करो अपना माइक. गीता, यस मैम. चलो कुछ समझ में आ रहा है, यस मैम. चलो ईशा अनम्यूट करो अपना माइक. ईशा पारिक, ईशा पारिक, ईशा, ईशा पारिक अनम्यूट योर माइक. कंचन यादव, हेलो मैम. हाँ कंचन, अब जो तुमने डायग्राम देखे उसे पहचान पाओगे? यस मैम. ओके,
ईशा पारिक ने कहा अलाउ करो मैम. ओके यस मैम इट इज नाउ वर्किंग. यस मैम.